नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के खुड़ैल थाना क्षेत्र के पेडमी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को यहां पता चला कि सैकड़ों की संख्या में गोधन मृत अवस्था में मिली है। बताया जा रहा है कि अहिल्या माता गौशाला जीव दया मंडल ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशाला में इंदौर के कुछ लोग बुधवार को दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहां कुछ ही गाय मिली। उसके बाद कुछ लोग गौशाला के आगे तालाब के पास गए, जहां सैकड़ों गाय मृत अवस्था में दिखी और उनके अवशेष कंकाल दिखाई दिए। वहीं बड़ी संख्या में गायों के अवशेषों को कुत्तों द्वारा नोचकर खाया भी जा रहा था। जैसे ही ये बात सामने आई, जिले में हड़कंप मच गया। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी तुरंत मामले में जाँच के आदेश दिए, जबकि खुड़ैल पुलिस को लिखित शिकायत की। फरियादी मनोज तिवारी ने पुलिस को सूचना दी कि गौशाला के पीछे तकरीबन 150 गायों की कंकाल पड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गौशाला के केयरटेकर के खिलाफ मामला दर्ज कर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दर कांग्रेस ने इस मामले को तुरंत हवा देते हुए सरकार का घेराव करने में जरा भी देरी नहीं लगाई है। प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के भोपाल के बैरसिया में सैकड़ों गौ माताओं की मौत के बाद सरकार ने गौशालाओं की समीक्षा, गौ माता के भरण पोषण के इंतजाम के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में गौ माताओं की मौतें निरंतर जारी हैं। उन्होंने लिखा कि अब इंदौर जिले के पेडमी में सैकड़ों गौ माताओं के शवों की तस्वीरें सामने आई हैं। शव कंगाल बन चुके हैं, उन्हें जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। हमारी सरकार में हमने प्रयास किया था कि प्रदेश में गौ माताओं के संरक्षण व संवर्धन का काम तेजी से हो। इसके लिए हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, गौ माता के चारे की राशि को बढ़ाया था, लेकिन जब से प्रदेश में वापस से शिवराज सरकार आई है, भूख प्यास से दम तोड़ती व उचित देखभाल के अभाव में गौ माताओं की मौतों की तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने आगे लिखा कि कैसी धर्म प्रेमी सरकार जो गौ माताओं को सुरक्षा देने में नकारा साबित हुई है। शिवराज सरकार को प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने चाहिए व ऐसी घटनाओं के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बता दें कि इंदौर से पहले राजधानी भोपाल के बैरसिया के में सैकड़ों गौ माताओं के ऐसे ही कंकाल मिले थे, जिस पर ऐसा ही बवाल मचा था। आगे देखना होगा इस मामले पर और क्या कुछ होने वाला है, सीएम शिवराज चौहान की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आने वाले हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए द लोक नीति।